ये एक ऐसी कहानी है जो सबको पसंद नहीं आएगी, ये तो पक्का है। वेलकम टू GMR। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है सत्य प्रेम की कथा। ये मूवी इसी वीक आपके नज़दीकी सिनेमाघरों पर रिलीज़ हुई है। मूवी में मेन लीड में कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी हैं, साथ में गजराज राव का काम भी बहुत बढ़िया है। जो भी फिल्म थोड़ी सी भी लीक से हटकर बनती है, एक बात तो तय है कि ऐसी मूवी सबको पसंद नहीं आती, क्योंकि किसी की सोच कुछ और है तो किसी की कुछ और। और सत्य प्रेम की कथा भी ऐसी ही एक लव स्टोरी है। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि अहमदाबाद में रहने वाला सत्य प्रेम उर्फ सत्तू यानी कार्तिक आर्यन बेरोजगार है। LLB फाइनल ईयर में फेल होने के बाद वह फिलहाल घर पर ही है, अपने पापा मम्मी और बहन के साथ रहता है। अपने सारे दोस्तों की शादी हो जाने के बाद सत्तू मोहल्ले का इकलौता कुंवारा लड़का है जो रोज़ाना अपनी शादी के सपने देखता है। करीब एक साल पहले गरबा नाइट में सत्तू की मुलाकात कथा यानी कियारा आडवाणी से हुई थी। शादी के लिए मरे जा रहे सत्तू ने सीधे सीधे कथा को प्रपोज ही कर दिया, लेकिन उसने पहले से बॉयफ्रेंड होने के चलते सत्तू को भाव नहीं दिया। लेकिन एक साल बाद नवरात्रि में सत्तू को जैसे ही पता चलता है कि कथा का ब्रेकअप हो गया है, वह दोबारा चांस मारने उसके घर पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी घटना घटती है कि कथा के पिता उसकी शादी सत्तू के साथ कर देते हैं। कथा इसके लिए राजी नहीं होती, लेकिन पिता के दबाव में उसे करना पड़ता है। बेटे की शादी बड़े बाप की बेटी से होने के चलते सत्तू के घर वाले बहुत खुश होते हैं, लेकिन शादी के बाद सत्तू और उसके घर वालों का सामना कथा की ज़िंदगी से जुड़ी एक ऐसी असलियत से होता है जो उन्हें हिला कर रख देती है। फिल्म की बाकी कहानी जानने के लिए आपको सिनेमाघरों में जाना होगा। चाय अगर पूरी तरह नहीं पकती तो उसमें स्वाद नहीं आता, लेकिन अगर ज़्यादा पक जाए तो वह कड़वी हो जाती है। फिल्म के एक सीन में कियारा अपने ससुर का रोल कर रहे गजराव से ऐसा कहती है। बेशक फिल्म के डायरेक्टर समीर विध्वंस के लिए अपनी फिल्म को परफेक्ट तरीके से पकाना बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन ज़्यादा पककर कड़वी ना हो जाए इसलिए उन्होंने इसे धीमी आंच पर पकने का सेफ ऑप्शन चुना। ऐसे में उनकी फिल्म कड़वी तो नहीं हुई, लेकिन टेस्ट भी बहुत अच्छा नहीं आया ये कह सकते हैं। लेकिन पकने में ज़्यादा समय लेने के कारण यह दर्शकों का बहुत इम्तिहान लेती है। डायरेक्टर समीर विध्वंस ने बेहतरीन कहानी पर शानदार फिल्म बनाई है, लेकिन फिल्म की कहानी कहीं कहीं बहुत धीमी पड़ जाती है। वहीं डायलॉग्स में कुछ गुजराती शब्द भी आपके समझने में दिक्कत होती है। पहले हाफ में फिल्म आपका भरपूर मनोरंजन करती है और कहानी का प्लॉट भी सेट कर देती है, लेकिन सेकेंड हाफ में यह क्लाइमैक्स तक पहुँचने में उम्मीद से ज़्यादा टाइम ले लेती है। हालाँकि क्लाइमैक्स में फिल्म महिला सशक्तिकरण का ज़ोरदार मैसेज भी देती है। एक औरत के ना का मतलब ना होता है, वही पिंक वाला डायलॉग। वही जो लोग यह कहते हैं कि नई उम्र के कपल का प्यार नहीं जानते, ये फिल्म उन्हें बताती है कि नई जनरेशन के कपल एक दूसरे की खातिर किसी भी हद तक जाने को तैयार भी हो जाते हैं। अगर एक्टिंग की बात की जाए तो कार्तिक आर्यन ने एक बार फिर से फिल्म में शानदार अभिनय किया है। वह न सिर्फ आपको हंसाते हैं बल्कि एक परफेक्ट हस्बैंड के रूप में नज़र भी आते हैं। बेशक फिल्म को देखने के बाद हर लड़की सत्तू जैसा पति ही चाहेगी। वहीं कियारा न सिर्फ स्क्रीन पर बेहद खूबसूरत भी लगी हैं, बल्कि उन्होंने इमोशनल सीन्स में शानदार एक्टिंग भी की है। सत्तू के पिता के रोल में गजराज राव ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है, वहीं बाकी कलाकार भी अपने रोल में जमे हैं। इस फिल्म को गुजरात और जम्मू कश्मीर में शूट किया गया है। वाइब्रेंट कलर्स बिखेरती फिल्म की सिनेमाटोग्राफी बहुत ही बढ़िया लगती है। अगर आप नए ज़माने की खूबसूरत और इमोशनल लव स्टोरी देखना चाहते हैं तो आप ये मूवी देखने जा सकते हैं। तो ये तो था मेरा रिव्यू इस मूवी को लेकर। आपका नज़रिया अलग भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। तो ये था हमारा वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वेल, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।